हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलर में डिजाइन बताऊंगी किस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे ये जो ब्लू कलर है ये मेरा बेस कलर है और जिससे हमें डिजाइन डालनी है। दूसरा कलर हमारा ये वाइट कलर है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको बना लिया है। अब डिजाइन को हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से इसको बनाया जाएगा। इसमें हमें जो है 8-8 निडल का गैप करना है और 9वीं और 10वीं निडल को आगे करना है। साइड में आप अपने हिसाब से देख लें कितने कितना छोड़ना है अपने फंदों के हिसाब से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10वीं वाली 9वीं और 10वीं वाली आगे की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड साइड में जो गैप रखना है वो आप अपने हिसाब से फंदों के हिसाब से देख लेंगे। हमें बीच वाले गैप से मतलब है, जिसमें हमें 8-8 निडल का गैप करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। ये हमारी 9वीं और 10वीं जो निडल है वो आगे की तरफ ही रहेगी और हम हमारा जो बेस कलर है उसको धागे को हम निकाल देंगे और दूसरा कलर जिससे हमें लेना है उस धागे को लगाएंगे। अपने स्वेटर के हिसाब से, जो अपनी वूल के हिसाब से जो है, आप नंबर को सेट कर देंगे। मैंने यहाँ पे 6.5-7 के बीच में किया हुआ है इसको। और फिर हम इसको जो है कैरेस के जो हुक हैं इनको दोनों को हमने पीछे की तरफ कर दिया है। अब इसको हम 4 बार चलाएंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पे खींच देंगे चलाने के, जिससे फंदे ना फंसे। 3 4 चार बार चलाने के बाद जो है हम हुक को आगे की तरफ कर देंगे और जो हमारा बेस कलर था ब्लू कलर उसको हम लगाएंगे। अब इससे हम 2 बार चला देंगे, 1 और 2। 2 बार चलाने के बाद फिर हमें वही निडल जो थी 9वीं और 10वीं वाली निडल्स को आगे की तरफ करना है। और फिर कैरिस के जो हुक हैं उनको हमें पीछे की तरफ कर देना है और ये अपना धागा निकाल देंगे ब्लू वाला, और फिर से हम अपना व्हाइट वाला धागा लगाएंगे। और फिर इसको फिर हम 4 बार चलाएंगे, 1 2 3 4। 4 बार चलाने के बाद इसको हम फिर आगे की तरफ कर देंगे हुक को और अपना जो हमारा बेस कलर है उसको लगाएंगे। एक और ये, वैसे सेम वही प्रोसेस करना है जो हमारी नीडल्स थी 9वीं 10वीं वाली, उसको हमें आगे की तरफ करना है। अपना धागा हम चेंज कर देंगे और वाइट वाला धागा लगाएंगे। कैरिस के फिर हुक पीछे की तरफ कर देंगे दोनों और फिर इसको फिर 4 बार चलाएंगे, 1 2 3। 4 बार चलाने के बाद फिर हुक को हम आगे की तरफ करेंगे, फिर अपना बेस वाला जो है वो धागा लगाएंगे ब्लू कलर। और फिर इसको फिर हम 2 बार चलाएंगे, 1। अब हम फिर वापस आएंगे 2 बार हो गए। इस तरह से देखिए हमारी ये 3 बार हमने सेम प्रोसेस किया है। अब हमें फिर से धागा चेंज करना है और वाइट वाला लगाना है। अब जो हमने 8 निडल का गैप किया था बीच में, उसमें से हमें 4th और 5th वाली निडल को आगे की तरफ करना है। ये देखिए, 1 2 3 4, 4th वाली और 5th वाली। इधर से भी हमें 4th वाली और 5th वाली, अभी हम 4th और 5th वाली निडल को आगे की तरफ करेंगे। कैरिज का बटन जो है वो हम पीछे की तरफ कर देंगे और फिर इसको फिर 4 बार चलाएंगे, 1 2 3 4। 4 बार चलाने के बाद फिर हम इसको धागे को निकालेंगे, हुक को आगे की तरफ कर देंगे और अपना बेस वाला धागा लगाएंगे। अगर ये निडल फंस गई तो थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ पुश कर देंगे तरह से, और फिर इसको 2 बार चलाएंगे, 1 2। 2 बार चलाने के बाद फिर धागा चेंज करना है। जैसे हमने 3 बार नीचे बनाया था ऐसे ही सेम उन्हीं निडल से हमें यहाँ बनाना है। अब हमें फिर से इन्हीं निडल को आगे की तरफ करना है जो हमारी 4th और 5th वाली थी। अब हम कैरेज के जो हुक हैं इनको फिर पीछे की तरफ करेंगे, फिर 4 बार चलाएंगे, 2 3 4। फिर
फिर धागा चेंज करेंगे, हुक को आगे की तरफ कर देंगे, फिर हम अपना बेस वाला धागा लगाएंगे और नीडल को पीछे कर देंगे जिससे फंदे हमारे फंसे ना। फिर वही नीडल हमें फिर आगे की तरफ करनी है। इसी तरह जैसे हमने नीचे 3 बार प्रोसेस किया था वही सेम प्रोसेस करना है, पीछे की तरफ करेंगे। अब हम फिर से इसको 4 बार चलाएंगे, 1 2 3। 4 बार चलाने के बाद फिर हम अपना धागा चेंज कर देंगे। हमने धागा लगाया अपना, नीडल को पीछे पुश कर दिया और कैरिज के जो हुक है उनको आगे की तरफ कर दिया। फिर 2 बार चलाया, 1 और 2। 2 बार चलाने के बाद फिर अब इतना बनाने के बाद ये कि सेम आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है जैसे मैंने नीचे किया था, नमी और 10वीं नीडल को आगे किया था, 3 बार चलाया था, डिजाइन बनाई है, फिर उसके बीच से आपको 4th और 5th वाली नीडल को आगे की तरफ करना है, फिर 3 बार बनाना है। अब हमें रिपीट करना है तो हम फिर से 8 नमी और 10वीं नीडल को आगे की तरफ करेंगे, फिर 3 बार बनाएंगे, फिर उसके बाद 4th और 5th वाली नीडल को आगे की तरफ करेंगे। यही कंटिन्यू प्रोसेस आपको रिपीट करना है। अब मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ डिजाइन किस तरह से आपकी बनकर आई है। अब ये थोड़ी सी डिजाइन मैंने ऊपर की तरफ बना ली है और ये देखिए किस तरह से आपकी ये डिजाइन बनकर आएगी।